छिंदवाड़ा में गुरुवार सुबह एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। यहां तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने चेक पॉइंट पर मौजूद एएसआई को रोंदते हुए निकल गई। आनन फानन में एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बोलेरो चलाने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला छिंदवाड़ा के थाना माहुलजर में आज सूचना सुबह के टाइम प्राप्त हुई थी कि न्यूटन चौकी से कोई गाड़ी बोलेरो कैंपर एक्सीडेंट करके फरार हुई है। उसको रोकने के लिए माहुलजर थाने के सामने चेक पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एएसआई नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मौजूद था। चेक पॉइंट को देखकर बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज़ की और नॉकडाउन करने की कोशिश की बैरिकेड को। इस प्रोसेस में एएसआई नरेश शर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुँचाई गई और गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर भी पुलिस कस्टडी में है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही सीएम मोहन यादव भी एक्शन में आ गए। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने लिखा कि छिंदवाड़ा जिले में हृदय विदारक घटना में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के जाबाज सिपाही एएसआई नरेश शर्मा जी का दुखद निधन पीड़ादायक है। मैं परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। वीर पुलिस कर्मी को शहीद का दर्जा और राज्य सरकार द्वारा उनके परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही स्वर्गीय श्री शर्मा के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में इस तरह के अक्षम्य अपराध करने वाली किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक बोलेरो एक्सीडेंट करके फरार हुई, जिसे पकड़ने के लिए चेक पोस्ट बनाए गए थे। गाड़ी रोकने के लिए थाने के स्टाफ के साथ एएसआई नरेश कुमार शर्मा वहां मौजूद थे, लेकिन बेलगाम गाड़ी ने बैरिकेड तोड़कर एएसआई को घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें छिंदवाड़ा रेफर किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। छिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट। एमपी तक।